भाई हेलो एवरीवन, वेलकम हो गया बिलाल शेख ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का। सबसे पहले तो भाई बिना कुछ जमी करें व्लॉग पे स्टार्ट करें बिना टाइम चेक कर लो। टाइम हो रहा है 3 बजे में से वैसे 5 मिनट बाकी हैं और गुड आफ्टरनून हमारी हो चुकी है भाई। तो अभी सीन ऐसा है कि यार नाश्ते भी करना है, बहुत सारे काम करने हैं और आज हमें फ्लैट भी जाना, फ्लैट भी तो जाना है, तो सारे काम बाद में करेंगे। पहले हम लोग फ्रेश होंगे, फिर नाश्ता वगैरह करेंगे, बालों पर नोटिस आप लोग देखना। तो ये रखी बात में वाले ओडी वगैरह ये हमने चेंज कर लेंगे, ठीक है बात में ना। अभी मैं जाना है बाहर नाश्ता करने के लिए, लेकिन नाश्ता करने वाले बाद से एक सवाल पूछना चाहूँगा जो आप मेरी बात गौर सुनो। मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूँ, मेरी 7 या 6 दिनों की छुट्टियाँ बची हैं, इसमें मैं कोई चैलेंज या कुछ और कोई मुझे एडवाइस दे दो कि मैं ये कर लूँ भाई, ये कर लूँ, ये कर लूँ, बता दो मुझे। आप जो बोल रहे ना, क्या क्या है इन 6-7 दिनों में मैं वो कर लूँगा भाई। आप भी बोलो सही, क्योंकि आप कुछ बोलते ही नहीं हो, कमेंट करते ही नहीं हो आप लोग। क्या कमेंट्स करा करो, मैं बता दो मैं कर लूँगा जो आप बोलोगे। मैं देखो मैंने आप लोगों को पूरी परमिशन दी हुई है, आप लोग जो चैलेंज बोलोगे जो कुछ बोलोगे मैं करूँगा, बस इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ आप लोगों से। तो अभी यार आप फालतू की लंबी करें बिना फ्रेश होते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, मिलते हैं आपसे। लेकिन उन सब चीज़ों से पहले भाई, हे फैम व्हाट्सअप कैसे हो सभी लोग, तो भाई वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो भाई नाश्ता वगैरह वहाँ लग चुका है, ठीक है भाई, जल्दी नाश्ता करते हैं, फिर आसपास करते हैं नाश्ता करने के बाद, ठीक है भाई। तो नाश्ता करते हैं, बात करते हैं। नाश्ता वगैरह जो है मैंने कर लिया था और अभी जो है ना मैं रेडी से खड़ा हूँ भाई, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे, तो अभी आ जाना हूँ, फ्लैट भी जाना है भाई, ये तो बाद में जाएंगे। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ वगैरह मार्केट की जरा, क्योंकि मुझे लेने स्पीकर होते हैं ना, स्पीकर उनके जरा रेट लेने हैं मुझे, तो चलते हैं वहीं पर। आ जाओ, घर में वैसे ही बोल रहे थे तो चलो आ जाओ। तो भाई यहाँ पहुँच चुका हूँ मार्केट में, ठीक है। तो भाई हाँ मैंने 1-2 पसंद करे स्पीकर वगैरह ना, एक ये और 1-2 और है, तो देखते हैं अभी बनते हैं। 5 minutes later अभी सीन ऐसा है कि यार मैं गया था अभी अकेले ना दुकानों के पास, सही है, मतलब मेन ऑर्गेनिक पे गया था मैं अभी ना, रियली झूठी बोल रहा, वहाँ मैंने 2 स्पीकर जो है छोटे छोटे वाले, पहले मैंने बोला यार मुझे चाहिए होम थिएटर ना 2000 रुपये का, उसने बोला चलो चलो चंबा गाँव में रास्ते फिर जाना। होम थिएटर जो है ना बेटा ऑर्गेनिक के चल रहा है, एक सिर्फ सिंगल पीस 12000 रुपये का। तो मैं चुप हो गया, मैं बोला चलो मुझे बताता, मैं मजाक कर रहा था, मैं आप मुझे 2000 तक ना कोई छोटा सा दिखा दो ऑर्गेनिक का देखेंगे बस। तो उसने मुझे दिखाया एक अच्छी क्वालिटी का और मतलब मेरे लिहाज से बिल्कुल सही, सस्ता और अच्छा, तो समय में आया मुझे। अम्मा को लेता हूँ भाई मैं, स्पीकर पकड़ते हैं फिर चलते हैं फ्लैट हम लोग, सही है। तो जैसा होगा दिखाते रहेंगे आप लोगों को, चलो। A few moments later. भाई हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं अंदर से फ्लैट, ठीक है भाई, और फ्लैट ही हमने ना स्पीकर वगैरह ये रहे, तो अंदर जाते हैं लगाते हैं लगाने वाने के बाद। तो चलो 2 hours later भाई साहब जी मैंने पूरा सेटअप जो है डन कर दिया, लेकिन आप भी जो ना देख के बोलो कि यार इतने फुद्दू फुद्दू से स्पीकर, लेकिन भाई वो है ओरिजिनल ऑडियोनिक के, ठीक है, और उनकी आवाज़ भी जो है ना पूरे घर में झूम रही है, यकीन लगा लो। लाइट ऑफ करूँ फिर आप लोगों को उनके शॉर्ट्स लेके दिखाता हूँ। तो ये चेक करो भाई स्पीकर इतने इतने से हैं लेकिन ये आवाज़ बहुत है, तो आप लोग शॉर्ट्स इन्जॉय करो, तब तक मैं भाई करा कपड़े शपड़े जो है ना चेंज करने हैं मुझे, तो फिर मिलते हैं, ठीक है। तो भाई अभी टंटर है, मैंने शॉर्ट्स वॉर्ट्स लिए, उसके बाद मैंने हुडी वगैरह पैंट्स वगैरह जो है चेंज वेंज कर ली थी, और नमाज मैंने पढ़ ली मगरिब के लिए भाई। तो अभी ये सीन है, वो जो भी होगा दिखा दिया जाएगा आप लोगों को, बाकी बताना मुझे आप लोग ऑडियोनिक के ओरिजिनल स्पीकर कैसे रहेगी आप लोगों को कमेंट दिखा दिया जाना, ठीक है भाई। आज से जो है ना हेयरिंग शुरू कर दी मैंने, थोड़ा दोबार से पहले इसी फॉर्म में आ गया था पास, ठीक है। तो वसी से आसिन था, तो आसमान कितने दूर से के बाद जो भी होगा ध्यान दिया जाएगा, थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। रुको जरा सबर करो। सर नमाज पढ़ने के बाद जो है ना मैं चला गया था मुझे धमान वमान देने के लिए चाय वाय का ना, तो मैंने क्या था भाई ब्रेड और चाय का सामान भी, चाय इसमें ही, ठीक है भाई, और अंडा वगैरह, ठीक है। तो और मैंने बाकी अंडे फ्रिज में रख दिए, ठीक है, यहाँ तो जानू सारे अंडे देखो मैंने फीमेल के भाई, अरे कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? चाय वाय वगैरह निकल जाए आस पास देखते हैं भाई, मतलब चाय वाय रेडी देगी ना तो बात करेंगे, आपको दिखाएंगे तो, ठीक है। तो भाई ये अम्मा ने दे दिया मुझे अंडा और ब्रेड वगैरह, ठीक है, चाय के साथ ना। तो अभी थी ऐसा है कि चाय भी मेरी आ गई, ठीक है, निकालनी है हम, तो यहाँ पे भी हम लोग कल इंशाल्लाह रुकने के लिए भी आएंगे, आए तो हम लोग आज भी थे लेकिन आज नहीं रुकते, कल मेरी बहन कज़न वगैरह सब आएंगे, तो
कल यहाँ कल ही आएंगे इसको बंद करो स्पीकर को यार वो बंद करो यार भाई निकल जाओ तुम निकल जाओ बस हाँ बंद हो गया ठीक है तो तेरा चाय करते हैं चाय शाय पीने के पहुंच चुके हैं और आज भी हमारे यहाँ मेहमान वगैरह आए हुए हमारे रूम में ना ठीक है हमारे रूम में तो मैंने ज्यादा मिलने भाई अल्लाह माफ करे मुझसे अल्लाह मेरे हिम्मत नहीं होगी मिलने की ना मेरे बाद की बैटरी होगी पूरी डाउन मैंने अपने पावर बैंक में वो चार्जिंग पे लगा दिया है देखो यहाँ पर आगे ना ये लगा हुआ चार्जिंग पे तो मोबाइल को भी चार्जिंग पे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं फिर आस पास करूँगा थोड़ी सी देर के बाद ठीक है जब चार्ज होगा तब सही है तो बात करते हैं थोड़ी सी देर के मोबाइल से भाई जो है ना मेरा होगी ना फुल चार्ज मतलब हो गया है तो अभी मेरा आए गलन वगैरह हम जो लोग जानते हो आगे भाई तो मुझे बोल रहे चलते हैं गाड़ी सीखी है नहीं नहीं तो भाई मेरी शस्य खत्म नहीं हो रही अल्लाह माफ़ करे गजब बेइज्जती है पता चला गया भाई तो वो हम लोग जा रहे हैं छोटी सी राइड पे तो आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह इंजॉय करना आप लोग तो चलते हैं आज गाड़ी में आगे हम लोग बैठ चुके हैं भाई वो कदन जा रहा है गाड़ी और मेरी बहन और मेरा कदन तो भाई आगे बैठे हैं और मैं हो रहा हूँ पीछे बैठे बैठे पागल ठीक है भाई तो मेरी यार आप लोग शक्ल चेक करो अंधेरे में घूप ही दूंगा मैं ये रहा अल्लाह माफ़ करे अल्लाह माफ़ करे भाई भाई साहब हम लोग राउंड वगैरह लेके बता चुके थे भाई अभी हमारा सीन ये बना है मेरा और अली का कि हम लोग खेलते हैं भाई बैट बॉल वगैरह ठीक है तो चलते नीचे बैट बॉल वाला खेल के ऊपर आ जाएंगे ना लिफ्ट वास्ता करेंगे आने के अब जी यार मतलब बैट बॉल खेल के हम लोग आ गए ऊपर और अभी जो है ये है कि भाई खजन वगैरह साथ में मतलब आज यहीं पर खाना खाएंगे तो दाल चावल वगैरह बने तो नीचे चलते हैं देख लेंगे आज हमारे बने भाई तो खाना आते हैं रात से बात करेंगे भाई एडिटिंग पूरी कर लेंगे ना रात में रास्ता करेंगे खाना खाने के बाद थोड़ी सी मतलब देर के तो भाई नीचे हम लोग आ चुके हैं और दाल चावल वगैरह बने हुए ठीक है तो खाते हैं फिर ऐसा करेंगे थोड़ी सी देर के बाद बंद करो हाथ जोड़ के मैं 2000 years later टाइम देख कर लो तीन महीने में भाई ढाई बजे हैं क्या मैं तीन महीने में बोलूँ ढाई बजे ने पूरे और अभी मेरी एडिटिंग जो है ना पूरी फुल मतलब हो चुकी है कम्प्लीट तो सीन अभी ऐसा है कि यार कदम वगैरह सब चले गए थे अली वगैरह सब चले गए थे और इंशाल्लाह कदम में इजाज़ में आएंगे रुकने के लिए फ्लैट पर इंशाल्लाह कल वादा नहीं कर रहा यार बस हो सके वो चले आएंगे भाई कल ठीक है बाकी अभी हमारी जो है ना एडिंग हो गई है और टाइम ज़्यादा हो चुका है भाई इसलिए यार अभी मैं ज़रा सोऊंगा फिर ऐसा करूँगा सुबह उठने के बाद तो बाकी मैं सोता अभी नहीं हूँ लेकिन बस व्लॉग को यार मतलब बंद कर देता हूँ क्योंकि ना मुझे और दो तीन ड्रामे वगैरह भी देखने होते हैं यार लाइव भी है न्यूज व्लॉगिंग के अलावा यार वैसे तो आप लोग मेरा सब कुछ हो लेकिन लाइव कुछ और भी है ना कुछ और देखने भी रहता है यार तो इसलिए ऐसा करते हैं सुबह उठने के बाय बाय टाटा गुड बाय गया।